बिहार में एक सीट पर उपचुनाव होने हैं। बता दें कि ये सीट बोचहा की है, मुजफ्फरपुर जिले में बोचहा पड़ता है, जहां पर वीआईपी के टिकट पर मुसाफिर पासवान 2020 का विधानसभा चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही उनका निधन हो गया था। अब चुनाव आयोग ने उसका ऐलान कर दिया है, कल ही ऐलान किया गया है। चुनाव का तारीख है 12 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं मतों की गणना 16 अप्रैल को की जाएगी। बता दें कि वीआईपी के टिकट पर मुसाफिर पासवान चुनाव लड़ा था, लेकिन अब मुकेश सहनी इन दिनों काफ़ी एनडीए में मुखर होकर के एनडीए के खिलाफ ही बोल रहे हैं, खासकर बीजेपी के खिलाफ उन्होंने उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोल दिया था। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी के कई विधायक ने खुल करके कहा था कि मुकेश सहनी को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको तत्काल एनडीए से बाहर कर देना चाहिए। आज ऐसे ही बीजेपी के प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह, उन्होंने भी निशाना साधा है मुकेश सहनी पर और कहा है कि जो लोग एनडीए में रह करके एनडीए के खिलाफ बोलेंगे तो उनका क्या हाल होगा वो खुद जान जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो इशारों में संकेत साफ है कि इस सीट पर अब वीआईपी को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, अब बीजेपी खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बता दें कि अरविंद सिंह जो प्रवक्ता है, उन्होंने बेबी कुमारी का जिक्र किया है। बेबी कुमारी 2015 में निर्दलीय चुनाव जीत करके आई थी, लेकिन बाद में वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गई थी। उसके बाद से अब चर्चा है कि बीजेपी अब जो है बेबी कुमारी को अपने टिकट पर वहां से उपचुनाव लड़ा सकते हैं। बता दें कि मुसाफिर पासवान 2020 में आरजेडी के कद्दावर नेता रमई राम को 12,000 वोटों से हराया था। रमई राम काफ़ी कद्दावर नेता माना जाता है, रमई राम का वो क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अब बीजेपी खुल करके ये कह रही है कि अब जो है जो एनडीए में रह करके एनडीए के खिलाफ बोलते हैं उनको टिकट हम नहीं देंगे, ना उनको हम फिर से लड़ने का मौका देंगे। अब जो है बीजेपी इस सीट पर खुद लड़ने की तैयारी कर रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह। कोई भी गठबंधन में रह करके और अपने सहयोगी दल के भावनाओं से खेलना चालू करता है और शिष्टाचार की सीमा को जब लांघ जाता है तो उसके लिए कुछ बच नहीं जाता है। और जहां तक बात है बोचहा सीट पर, तो बोचहा सीट पर पहले बेबी कुमारी विधायक रह चुकी हैं। वैसे गठबंधन में आपस में बातचीत करने के बाद ही कुछ परिणाम निकलता है, तो व्याकुल भारत होने से कुछ होता जाता नहीं है। गठबंधन में बातचीत से ही सारे सिस्टम को तय होती है, और कभी भी गठबंधन में जो दल शिष्टाचार के सीमा को लांघ जाते हैं उनके लिए कुछ बच नहीं जाता है। और जो गठबंधन शिष्टाचार में रहते हैं वो एमएलसी चुनाव में, देखिए हम साथ साथ लड़ रहे हैं, हमारे गठबंधन के साथ किस तरह से अच्छी तरह से हम सीटों की बंटवारा करके और सारे सीटों पर विजयी होंगे। तो सुना आपने अरविंद सिंह को, जो ये साफ संकेत में जाहिर कर रहे हैं कि मुकेश सहनी को वो सीट अब नहीं दिया जाएगा, अब बीजेपी वहां से खुद चुनाव लड़ेगी। तो अब देखना होगा मुकेश सहनी आगे का क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से संकेत साफ है कि बेबी कुमारी को लड़ाया जाएगा। तो मुकेश सहनी कहीं ना कहीं तैयारी में थे, सूत्रों के हवाले से खबर थी कि मुकेश सहनी मुसाफिर पासवान के ही परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन अब बीजेपी और मुकेश सहनी आमने सामने है, तो देखना होगा वीआईपी को ये सीट मिलती है कि नहीं मिलती है, उसके बाद मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होगा आपको हम बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।